पैन कार्ड अगर आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो इस फॉर्म के माध्यम से बड़े आसानी तरीके से आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कैसे करना है एंड डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इसको कैसे भरना है, भरने के बाद इसे जमा कहाँ करना है, जमा करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कितना रुपया लगता है, किन किन बातों को ध्यान देना है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगेगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे आपको कैसे भरना है, तो भरने के लिए आपको हाल ही का 2 फोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए। इस तरह से दोनों साइड आप चिपका देंगे। फ़ोटो का बैकग्राउंड व्हाइट कलर का नहीं होना चाहिए, व्हाइट कलर के अलावा कोई भी फ़ोटो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो के नीचे आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पर सबसे पहले सिग्नेचर करते वक्त आपको इन बातों को ध्यान देना है, ओवरराइटिंग नहीं करना है, कटफट नहीं करना है। अगर आप कटफट करते हैं, ओवरराइटिंग करते हैं तो आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है या पैन कार्ड आपको वहाँ से भेजा नहीं जाता है। इन बातों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जब आप क्रॉस सिग्नेचर करेंगे तो यहाँ पर आप पेन जिस तरह से चलाएंगे, पेन चलाने के बाद यहाँ से उगे या ना उगे एक ही बार आपको यहाँ पर पेन चलाना और सीधा आपको पेन चलाना, ना कि इधर टेढ़ा चले गए, ऐसा आपको गलती नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ पर यहाँ पर जो AO कोड लिखा गया, ये कोड आपको मालूम नहीं है तो इसे आप खाली स्थान छोड़ देंगे। जब इसे जमा करेंगे तो वो लोग वहाँ से इसे भर लेंगे। उसके बाद वहाँ से पहला ऑप्शन आपको मिलता है अपना नाम भरने का। जिस तरह से आपके आधार कार्ड पर फर्स्ट नाम है, बीच में फर्स्ट नाम है, तो उस स्पेलिंग को आप यहाँ पर भरेंगे। अगर आपका मिडिल नेम है तो भरेंगे, अन्यथा आप लास्ट नाम यहाँ पर ऊपर में भर लेंगे। उससे पहले आपको ये टिक करने के लिए बताया जाता है। अगर आपके आधार कार्ड पर श्रीमती या श्री है तो आप टिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका जो पूरा नाम है फिर से आप भर लेंगे एक डब्बे को छोड़कर, जैसे प्रेम उसके बाद राणा, तो एक डब्बे को छोड़कर आपके आधार कार्ड पर जो भी नाम है यहाँ पर भर लेंगे। तीसरा ऑप्शन में आपको मिलता है कि आपका कोई दूसरा और नाम है जो आप अपना पैन कार्ड में देना चाहते हैं, जैसे उर्फ में नाम होता है। अगर उर्फ में नाम है तो यस पर यहाँ पर आपको देना है और देने के बाद वो नाम आप यहाँ पर भर लेंगे, फर्स्ट मिडिल लास्ट। अगर उर्फ नाम नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ से चौथा ऑप्शन आपको जेंडर भरना है, मेल फीमेल जो भी है अपना टिक कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके आधार कार्ड पर है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भरेंगे। छठा में आपको मिल रहा है यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम आधार कार्ड के पीछे होगा फर्स्ट नाम यहाँ पर भरेंगे, मिडिल नाम है तो भरेंगे, अन्यथा लास्ट नाम इस तरह से आपको भर लेना है। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको फादर में टिक करना है और टिक करने के बाद इसको छोड़ देना है। उसके बाद सातवां ऑप्शन में आपको मिल रहा है रेसिडेंस एड्रेस। एड्रेस में आप अगर अपना आवासीय पता दे रहे हैं, जिस पता पर आप पैन कार्ड मंगवाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप ऑफिस में कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको ऑफिस का भी एड्रेस मिलता है देने का। सो आप यहाँ पर देखते हैं पीछे में ऑफिस एड्रेस, तो ऑफिस एड्रेस भी आप दे सकते हैं। जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस होगा उस एड्रेस पर आपका पैन कार्ड चला आएगा। अगर आप अपना खुद का पता देना चाहते हैं जो आपके आधार कार्ड पर है, अपना मतलब रेसिडेंट आवासीय पता, तो इस तरह से पहले वार्ड लिखेंगे, आपके गांव का क्या नाम है, आपके फिर से गांव का क्या नाम है, इस तरह से रोड सिटी जो आपका एड्रेस पड़ता है, आपका एरिया क्या है, सब डिवीज़न वो आप यहां से भरेंगे, नहीं आपका अनुमंडल प्रखंड यहां पर भरेंगे, यहां पर गांव का नाम भरेंगे। देन आपको यहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है। उसके बाद बिहार राज्य है तो बिहार लिखेंगे, अदरवाइज दूसरे स्टेट हैं दूसरा राज्य यहां पर अपना लिख देंगे। आपके एरिया का आप जो भी पिन कोड होगा वो पिन कोड भरेंगे। कंट्री नेम आपको इंडिया भर लेना है। इस तरह से डिटेल्स आप भर लेंगे। उसके बाद दूसरे साइड की यहां से बात करते हैं तो दूसरे साइड में आपको क्या भरना है, तो मैं आपको बता दिया पहले, अगर आप ऑफिस का एड्रेस देंगे तो आप रेसिडेंस एड्रेस नहीं भरेंगे। उसके बाद आठवां ऑप्शन में आपको रेसिडेंस यहाँ पर टिक करना है, क्योंकि आप रेसिडेंस एड्रेस भरे हैं। अगर ऑफिस एड्रेस भरे हैं तो ऑफिस पर यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। नवां ऑप्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है और कोड में आपको 91 यहाँ से लगा देना। उसके बाद आपको नवां ऑप्शन में मिलता है ईमेल आईडी का। ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप ईमेल आईडी देते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर पैन कार्ड का पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है। ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपका पैन कार्ड नहीं आता बाय मिस्टेक से तो आप अपने ईमेल से पैन कार्ड को प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद दसवां ऑप्शन में आपको इंडिविजुअल भरना,
यानी आप खुद व्यक्तिगत अपना पैन कार्ड बनवा रहे हैं। अगर आप दूसरे को भरेंगे, जैसे आप यहाँ पर जैसे ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट का या कंपनी का पैन कार्ड बनेगा तो उस पर टिक करेंगे, अन्यथा आप खुद अपना बना रहे हैं तो इंडिविजुअल पर यहाँ पर टिक करेंगे। 11वें में आपको कुछ नहीं भरना है, 12वें में अपना आधार नंबर, जो भी 12 अंकों का आधार नंबर सही सही भर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड पर स्पेलिंग सही नाम है वो आप एक डब्बे को छोड़कर यहाँ से भर लेंगे। 13वें नंबर में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम, इसमें आपको नो इनकम पर टिक नहीं करना। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपका जो इनकम है कोई और सोर्स है वो आप टिक यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इसने इसको आपको छोड़ देना, ये जो आप देख रहे हैं 14वें नंबर का ऑप्शन, यानी 18 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चे का अगर आप पैन कार्ड बनवाते हैं तो उसके लिए ये डिटेल्स भरा जाता है, यानी दोस्तों माइनर पैन कार्ड। तो इसके लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा जहाँ पर आपको बता दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके उस वीडियो को भी जाकर देखते हैं अगर आप 18 वर्ष से कम उम्र के पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो। उस पर 15वें नंबर में आपको यहाँ पर मिलता है, जो भी आप पैन कार्ड बनाने के लिए आप कौन सा प्रूफ दे रहे हैं, तो आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड इस तरह से तीनों जगह भर लेना जो आप यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद 16वें नंबर में फिर से आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका नाम है नाम भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर यह समझना है हिज सेल्फ, अगर लड़का है तो हिज सेल्फ, अगर लड़की है पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं यानी औरत का, तो हर सेल्फ आपको यहाँ पर भरना है। फिर से जो भी पैन कार्ड के आवेदक होंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद उनके जब प्लेस है यानी गाँव कहाँ है वो आप यहाँ भर लेंगे, और किस डेट को इसे अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आप यहां पर भर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो भी पैन कार्ड के अप्लीकेंट होंगे उनका सिग्नेचर तीन जगह, पहला यहां पर और दूसरा तीसरा एक क्रॉस सिग्नेचर यहां पर और तीसरा यहां पर, तीन जगह सिग्नेचर लगता है। तो इस तरह से पैन कार्ड को फॉर्म को आप भर लेंगे, भरने के बाद एक दो बार इसे चेक कर लेंगे कहीं ने आपने गलती तो नहीं भर दिया। चेक करने के बाद आप अगर लगता है कि कुछ गलती हो गया तो थोड़ा सा आप व्हाइटनर यूज कर सकते हैं, ज़्यादा व्हाइटनर आप बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। अगर ज़्यादा व्हाइटनर यूज करते हैं तो आपका फॉर्म वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद इस फॉर्म के साथ आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप लेंगे, इसके साथ इसको पिनअप कर देंगे, और पिनअप करने के बाद किसी भी साइबर कैप में जाकर इसे जमा कर देंगे, और जमा करने के बाद आपको वहां पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एक रिसीविंग मिलता है जो आप यहां पर इसते हैं। अगर NSDL के माध्यम से पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई वहां पर होता है तो इस तरह से एक आप रिसीविंग मिलेगा। सो आप यहां पर इसते हैं 49वें फॉर्म, और यहां पर भी देखते हैं 49वें फॉर्म आपको भरने के लिए बताया। तो इस तरह से आपका पैन कार्ड का प्रोसेस रहता है, रिसीविंग मिलेगा, रिसीविंग पर आपको यहां पर एक नंबर मिलेगा, इस नंबर से भी आप पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे करना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस वीडियो को जाकर पैन कार्ड को डाउनलोड करना सीख सकते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस रहता है। अगर आप ईमेल आईडी दिए होंगे फॉर्म में भरते वक्त तो ईमेल आईडी आपको यहां पर दिख जाएगा, इस ईमेल आईडी से आप पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एक सप्ताह बाद इसको अपेंड करके। कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने में अप्रॉक्स आपको 107 रुपये पे करने होते हैं। अगर आप साइबर कैप के माध्यम से करवाते हैं तो जहां पर आपको 130, 140, 150 के अप्रॉक्स आपको रुपया लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से फॉर्म आप भरेंगे और रिसीविंग लेंगे, रिसीविंग लेने के 10-15 दिन के अंदर आपके जो भी एड्रेस से रेजिडेंस हो या ऑफिस हो उस एड्रेस पर आपका पैन कार्ड भेज दिया जाता है बाय पोस्ट के माध्यम से। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो समेत आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स बन रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, जिसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए टॉपिक के साथ।